रानी जी। खुशी जी, बुआ जी से कहिएगा कि एक बार कागज ढंग से देख, ठीक है? जी। नानी जी, वो बुआ जी के घर के पास जो स्कूल है ना, खुशी जी उनकी काफी मदद कर रही है, तो हम सोचे कि हम भी थोड़ी मदद कर लें। अच्छा अच्छा, ठीक है। खुशी जी, इन कागजों से आपको आपकी सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। नानी जी, आपको कुछ काम था? अब हम आपसे ये पूछने आए, आप मनोरमा को कहीं देखे रहे? पता नहीं सुबह ही सुबह कहाँ गायब हुई गई? नहीं नानी जी। ठीक है। अरे इका, छोटे आपको तोहफा भेजे रहे और आपने खोलकर देखा भी नहीं। पापा जी, कहे कि हम आपके लिए रानी साहब को तलाक दे देंगे। खुशी जी, ये सब नहीं कह सकते। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने नहीं हो सकता ऐसा। अंजलि बिटिया, नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम इस बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते ना। अंजलि बिटिया, तुम हम पे भले ही बिलीव ना करो, हम तुमको उन्हें बताते हैं जो हम आंखों से देखे और कानों से सुने हैं। नहीं मामी जी, हम आपकी बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते। वैसे एक बार गिफ्ट खोल के देखिए तो सही, साले साहब के किडनैपर ने आपके लिए भेजा क्या है। अरे वाह खुशी जी, ये तो बिल्कुल वैसी ही साड़ी है जैसी आपने तीज पे पहनी थी। खुशी जी, कल आप थोड़ा फ्री रहिएगा, हमने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है। अरे एनके भैया, ये आपके कमरे में मिला मुझे। थैंक यू एचपी। ठीक है। भाग तो नहीं गया?